नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो बहुत टाइम के बाद मैं आज इसमें वीडियो डाल रहा हूँ किसी टॉपिक पे, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त भी चल रहा था, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हुए थे और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आने लग गया है। आप सभी को पता होगा कि अभी 2 दिन पहले ही आप सभी को रिजल्ट अपना पता चल गया होगा, और उसके बाद तुरंत ही उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वालों ने जो है रिजल्ट अभी वहाँ से हटा दिया है। क्यों हटाया है, वो एक रीज़न है कि क्यों हटा है, वो रीज़न मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों हमारा रिजल्ट हाइड हुआ है। और वीडियो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आपको कमेंट करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में रिजल्ट सबका आया और सबने देखा, किसी को तो दिखा लेकिन किसी को दिखा भी नहीं। बहुत सारी साइट है, हमने चेक करी लेकिन साइट पर दिखा नहीं है। दिखेगा तो आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी ने अभी 1-2 दिन पहले जैसे आपने रिजल्ट पे क्लिक करा, देखा और दिखा भी बहुत लोगों को, उसके बाद से गायब हुआ। क्यों गायब हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत लोगों के जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल में मार्क्स जुड़े नहीं थे। जुड़े भी हुए थे तो गलत जुड़े हुए थे, किसी के ज़्यादा जुड़े हुए हैं, किसी के कम, किसी के ज़्यादा आने थे तो उसके कम आए नंबर आए हैं, और किसी के कम आने थे तो उसके ज़्यादा नंबर आए हैं, किसी किसी के तो प्रैक्टिकल के नंबर ही गलत आए हैं, प्रैक्टिकल नंबर जुड़े नहीं हैं। तो इसी वजह से जो है आप सभी का जो ये रिजल्ट है, इसलिए वो हाइड कर दिया गया है। उसमें संशोधन होंगे, संशोधन होने के बाद आप सभी को आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ चुका है, आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ से आप सेशन पर जाएंगे तो 2020 आपने सेलेक्ट किया, प्रोग्राम पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि इतने लोगों का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। MCOM हो गया, BSc हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट BA का हो गया, योगा बैचलर ऑफ आर्ट योगा का हो गया, कॉमर्स का हो गया, ये सभी रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और संभावना यह है कि जल्द ही आपका BA का रिजल्ट भी आपके सामने आ जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेज हो रही होगी कि क्यों आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी है आप सभी को तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए, और भी वीडियो देखने के लिए ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करके सेलेक्ट ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन और नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।